हेलो एंड वेलकम टू द क्लास. मी कंचन एंड यू आर वॉचिंग कंचन क्लासेस. एज यू नो दैट वी हैव डन मैनी चैप्टर्स ऑफ साइंस. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर रिविजन क्लासेस. इन दीज रिविजन क्लासेस वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर ब्रीफली, देन वी विल डिस्कस इट्स बुक वर्क एंड द क्वेश्चन आंसर्स इन डिटेल. क्लियर? सो विदाउट मच डिले लेट्स स्टार्ट आर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. वट आर लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स? Living things, non-living things. Living things are those who have life in them. Means जिनमें life होती है, जिनमें जीवन होता है, जो जी सकते हैं उन्हें कहते हैं life. Means living things have limited lifespan. Means I want to say that कि उनका कुछ टाइम पीरियड होता है जितना टाइम वो इस अर्थ पर रहते हैं. बट द नॉन लिविंग थिंग्स दे डू नॉट हैव लाइफ इन दैम, दे डू नॉट हैव लाइफ स्पैन. मीन्स उनमें लाइफ नहीं होती और उनमें कोई उनका लाइफ स्पैन नहीं होता, उनमें जान नहीं होती. दीज आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स. मीन्स दोज हु हैव लाइफ इन दैम दे आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स, एंड दोज हु डू नॉट हैव लाइफ इन दैम दे आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स. क्लियर? सो अब हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि लिविंग थिंग्स क्या करती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स क्या करती हैं. सो फर्स्ट वन इज लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर. मीन्स द ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर. यू, मी, एवरी लिविंग थिंग, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सभी को फूड और वाटर की ज़रूरत पड़ती है. हमारी लिविंग थिंग्स कौन सी हैं? एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, बर्ड्स हैं, हम हैं. हम सब क्या है? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म. और आप इन सबको, आप भी खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, मैं भी खाती हूँ, मैं भी पीती हूँ. मीन्स जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, आपने प्लांट्स को भी देखा होगा कि अगर उनको हम पानी नहीं देते, उन्हें वाटर नहीं देते, तो वो भी कुछ दिनों में सूख जाती हैं. क्लियर? सो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड एंड वाटर. आपको भी चाहिए. अगर मुझे भी खाना नहीं मिलेगा तो मैं भी ज़्यादा टाइम तक काम नहीं कर पाऊँगी. आपको मम्मा खाना नहीं देंगे तो क्या आप काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे. ठीक है, थोड़े टाइम के बाद आप थक जाओगे. बट जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उन्हें दे डू नॉट नीड फूड एंड वाटर. उन्हें फूड या वाटर की ज़रूरत नहीं होती. आपके पास टॉयज़ होंगे, आपने देखा होगा कभी आपके टॉयज़ ने कभी खाना खाया, आपके टॉयज़ ने कभी पानी पिया? नहीं ना. आपका बेड, आपकी चेयर, आपकी बुक्स, नोटबुक्स, बैग, आपने किसी ने भी कभी देखा कि वो कभी खाना खा रहे हैं या कभी पानी पी रहे हैं? नहीं, दे डू नॉट नीड फूड एंड वाटर. सेकेंड इज लिविंग थिंग्स ग्रो. मीन्स अब आप अपने छोटे, जब आप, मतलब आपका बर्थ हुआ था, ठीक है, तब की आप एक फोटोग्राफ देखी, एक बार अब की फोटो देखें, ठीक है. नाउ यू आर इन थर्ड क्लास, व्हेन यू विल बी इन टेंथ क्लास, जब आप टेंथ क्लास में चले जाएंगे, देन प्लस टू, और जब आप आगे देखोगे तो आपकी चेंज, कितने चेंजेस आपके ऑर्गन्स में आ जाएंगे. जब आपका बर्थ हुआ था उससे लेकर अब तक आप बड़े हो गए हैं, आपके सेंस ऑर्गन्स डेवलप हो गए हैं, और भी जो आपके ऑर्गन्स हैं डेवलप हो गए हैं. मीन्स चेंजेस आ गए हैं, ग्रो कर गए हैं, बढ़ गई हैं. पहले आपका हैंड इतना छोटा सा था, अब आपका हैंड बड़ा हो गया होगा, और आप जब और ग्रो करोगे तो उसमें और भी चेंजेस आ जाएंगे. क्लियर? कि आपके जो है ह्यूमन, जो भी है ह्यूमन कह सकते हैं, मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो भी हैं. आप प्लांट्स का एग्जांपल लीजिए कि जब हम सीड डालते हैं, इसमें छोटा सा प्लांट बाहर निकलता है, बट जब धीरे धीरे उसको हम पानी देते हैं, ठीक है, वो अपना फूड प्रिपेयर करता है, धीरे धीरे वो ग्रो करता है. प्लांट्स भी ग्रो करते हैं. एनिमल्स देखे होंगे आपने, किसी कैट का बेबी देखा होगा, फिर धीरे धीरे वो भी ग्रो करता है. क्लियर? कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रो करते हैं, बट द नॉन लिविंग थिंग्स दे डू नॉट ग्रो. आपने कभी अपने टॉय को देखा हो, कभी उसने ग्रो की, वो तो आज इतना था, साल के बाद वो इतना बड़ा हो गया, देखा कभी? नहीं ना. आज आपके जिस बेड पे आप सोते हो, पहले वो बेड छोटा था, अब अपने आप ही बड़ा हो गया हो? नहीं ना, ऐसा नहीं होता. बिकॉज द नॉन लिविंग थिंग्स हैं, दे डू नॉट ग्रो. देन नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स मूव. मैं लिविंग थिंग हूँ, क्लियर, आप लिविंग थिंग्स हैं, जो एनिमल्स हैं वो भी लिविंग थिंग है. हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, हमें कोई काम है, कहीं जाना है, ठीक है, आपका खेलने का दिल कर रहा है, आप चले जाते हैं. मम्मी नानी के घर चले तो हम चले जाते हैं, ठीक है. कहीं और जाना है, मार्केट जाना है, शॉप पे जाना है, कितने काम है. मीन्स टू से दैट कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती हैं. मूव मीन्स जाना, हिलना, ठीक है, हिल सकते हैं. मैं खड़ी हूँ, मैं इधर कर रही हूँ, मेरे देखो, क्लियर. कि लेकिन आपने कभी टॉय को देखा है,
ठीक है वो बैटरी से चलता है वो बात अलग है, लेकिन वैसे क्या आपका कोई टॉय है वो पड़े पड़े देख के अपने आप ही चलने लगाओ? नहीं ना, जो लिविंग थिंग्स है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकती हैं, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट द नॉन लिविंग थिंग्स दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जा सकती। देन लिविंग थिंग्स ब्रीथ, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, मैं हूँ, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, प्लांट्स हैं, सभी ब्रीद करते हैं। ब्रीद मीन्स सांस लेना, हम सांस लेते हैं। सांस कैसे लेते हैं? जो एयर में ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है जिससे हम सांस लेते हैं, ठीक है। बट जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सांस नहीं लेती, वो ब्रीद नहीं कर सकती। एंड द लास्ट इज लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस मीन्स कि टू गिव बर्थ टू दियर यंग वंस, मीन्स अपने बच्चों को जन्म देना, ठीक है। आपके पापा मम्मी वो भी किसी के बच्चे हैं, आपके दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, और आप भी किसी के बच्चे हैं, आपके भी मम्मी पापा हैं, ठीक है। तो मीन्स किसी ना, लेकिन आपने देखा है कि इस आपका कोई टॉय है आगे उसका बच्चा है कोई? नहीं ना, उसका बेबी है कोई? नहीं, बिकॉज जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, वो अपने बच्चे पैदा नहीं कर सकती। लेकिन जो लिविंग थिंग्स हैं दे कैन गिव बर्थ टू दियर यंग वंस, कि वो अपने बच्चों को जन्म दे सकते हैं। क्लियर? सो दीज आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग थिंग्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इट्स बुक वर्क। क्लियर? किसका बुक वर्क मीन्स इस वीडियो में अब आपके साथ मैं पूरा बुक वर्क डिस्कस करूंगी, ताकि आपको लर्निंग के लिए, एग्जाम्स के लिए इजी हो जाएगा। सो सबसे पहले है हमारे ट्रू फॉल्स। फर्स्ट वन इज टॉय डॉग कैन ब्रीथ एयर। टॉय डॉग मीन्स जो आपका टॉय है, कोई डॉग कोई टॉय है, क्या वो एयर ब्रीथ कर सकता है? क्या वो सांस ले सकता है? नो, टॉयज कभी भी ब्रीथ नहीं कर सकते, इसलिए क्या आएगा? फॉल्स। टॉय डॉग कांट ब्रीथ, वो कभी सांस नहीं ले सकते। नेक्स्ट इज ट्री कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्या जो ट्रीज है, पेड़, आप ठीक है, आपने देखे होंगे ट्रीज, आपके घर में भी होंगे, अदरवाइज आपके एरिया में होंगे, कभी आपने देखा है ट्रीज को एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हुए? नो, नॉट एट ऑल, वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उनकी जो रूट्स हैं वो सॉइल के अंदर अच्छे से बंधी हुई हैं, इसलिए ट्रीज एक जगह से दूसरी जगह तक मूव नहीं कर सकते। तो क्या आएगा? फॉल्स। ट्रीज कांट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नेक्स्ट इज इंसेक्ट्स यूज फीलर्स ऑन दियर बॉडीज टू फील। इंसेक्ट्स की बॉडीज पर फीलर्स होते हैं फील करने के लिए? यस, उनकी बॉडी पर फीलर्स होती हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनसे वो फील कर सकती हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? ट्रू। फीलर्स क्या होता है? जिससे कुछ फील करना, आप सेंस ऑर्गन से फील करती हैं, वैसे ही इंसेक्ट्स हैं वो फीलर्स से फील करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? ट्रू। एंड द नेक्स्ट इज फिश हैव गिल्स फॉर रिप्रोडक्शन। क्या फिश के पास गिल्स होते हैं जिससे वो रिप्रोड्यूस करती है? नो, फिश के पास गिल्स जरूर होते हैं, लेकिन वो गिल्स से क्या करती है? ब्रीद करती है, मीन्स सांस लेती है, रिप्रोडक्शन के लिए वो गिल्स का यूज नहीं करती। तो यहाँ पर क्या आएगा? फॉल्स। फिश यूज गिल्स फॉर ब्रीदिंग, वो सांस लेने के लिए, ब्रीद करने के लिए अपने गिल्स का यूज करती है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है आपकी? फॉल्स है। लास्ट इज ह्यूमन बींग्स ग्रो ओल्ड एंड डाई। जो ह्यूमन बींग्स हैं, मैं हूँ, आप हैं, आपके फादर मदर, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, क्या वो सभी ग्रो करती हैं और देन वो डाई हो जाती हैं लास्ट में, मतलब मर जाती हैं? ऑब्वियसली हम सुनते हैं कि वो एक्सपायर हो गया, वो गुजर गया, वो मर गया, ऐसा सुना होगा आपने अपने घर में। जो भी ह्यूमन बींग्स हैं सभी का एक लाइफ स्पैन है, ये तो नहीं है कि सभी का सेम है कि हम 12 इयर्स के बाद, 20 इयर्स के बाद, 30, 40, 50 की उसके बाद मर जाएंगे, लेकिन हर किसी की अपना लाइफ स्पैन है, ठीक है। तो वो अपना लाइफ स्पैन जब उसका कंप्लीट होता है तो वो मर जाता है, ठीक है। किसी को नहीं पता कि मैं कब मरूंगा, हर किसी का अपना लाइफ स्पैन है जिससे वो, जिसके बाद उसको कंप्लीट करके वो मर जाती हैं। सो इट इज ट्रू ह्यूमन बींग्स ग्रो ओल्ड एंड डाई, कि वो ग्रो करती हैं, ग्रो बूढ़े हो जाते हैं, ओल्ड मीन्स एंड देन डाई, कि वो मर जाती है। नाउ ये थे हमारे ट्रू फॉल्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। फर्स्ट इज डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ लिविंग थिंग, मैन और स्टोन। लिविंग थिंग का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है? मैन और स्टोन। मैन मीन्स आदमी, कोई भी ह्यूमन बींग वो हो सकता है, और स्टोन मीन्स पत्थर। ऑब्वियसली जो पत्थर है, स्टोन है,
वो तो लिविंग थिंग हो ही नहीं सकता, क्योंकि पत्थर का साइज कभी आपने बढ़ते हुए देखा है नहीं ना, कभी उसे सांस लेते हुए देखा है, कभी उसको रिप्रोड्यूस करते हुए देखा है नहीं। तो जो भी नॉन लिविंग थिंग है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, वो ब्रीद नहीं कर सकती, और हमारा स्ट्रॉन भी क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए इसमें क्या आएगा, मैन, मैन इज अ लिविंग थिंग। ओके, नेक्स्ट इज डैश हैव फीलर्स टू फील चेंजेस, इंसेक्ट्स और बर्ड्स, किसकी बॉडी पर फीलर्स होते हैं जिससे वो चेंजेस फील करते हैं। तो बर्ड्स की बॉडी पर कोई फीलर्स नहीं होते, किसकी बॉडी पर होते हैं, इंसेक्ट्स की बॉडी पर। इंसेक्ट की बॉडी पर फीलर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनसे वो जो भी उनके एटमॉस्फेयर में चेंजेस हो रही हैं उनको वो फील कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डैश कैन प्रिपेयर दियर ऑन फूड प्लांट्स एंड एनिमल और एनिमल्स, मीन्स कि इनमें से प्लांट्स और एनिमल्स में से कौन अपना फूड प्रिपेयर कर सकता है। कभी आपने देखा है किसी एनिमल को, आपके घर में भी कोई पेट हो सकता है, कोई कैट डॉग, आपने उनको देखा हो कि कोई अपना फूड प्रिपेयर कर रहा हो, नॉट एट ऑल, क्योंकि कभी भी एनिमल्स तो अपना फूड प्रिपेयर कर ही नहीं सकते। आपके घर में पेट है, आप उसको दूध दोगे, खाना दोगे तो वो खा लेगा, कभी वो खुद प्रिपेयर नहीं करेगा क्योंकि वो कर ही नहीं सकता, ठीक है। लेकिन जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, बल्कि जो भी उनका प्रिपेयर किया हुआ फूड होता है और जो एक्स्ट्रा फूड बच जाता है वो स्टोर कर लेते हैं और उस फूड को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स प्रिपेयर दियर ऑन फूड। नेक्स्ट इज ह्यूमंस हैव डैश फॉर ब्रीदिंग हार्ट और लंग्स, ह्यूमन के पास क्या है जिससे वो ब्रीद करता है। तो हार्ट से तो ब्रीद करते ही नहीं, हार्ट तो सिर्फ पंप करता है, हमारे ब्लड को साफ करता है। हम किससे ब्रीद करते हैं, लंग्स से। हमारी बॉडी में टू लंग्स होते हैं, जब वो एयर हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो हमारे लंग्स का साइज इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, और जब वेस्ट एयर, इम्प्योर एयर बाहर निकलती है तो हमारे लंग्स का साइज श्रिंक हो जाता है। सो ह्यूमंस हैव लंग्स फॉर ब्रीदिंग, ह्यूमंस के पास क्या होते हैं, लंग्स होते हैं जिससे वो सांस लेते हैं। नेक्स्ट इज डैश थिंग्स ग्रो एंड चेंज देयर शेप एंड साइज, लिविंग और नॉन लिविंग। अभी हमने डिस्कस किया था कि नॉन लिविंग थिंग्स तो ना ही वो ग्रो करती हैं, ना ही उनकी शेप और साइज में कोई चेंज आता है, वो जैसे आज है वैसे ही कल रहेगा, वैसे ही वो 10 ईयर्स के बाद रहेगा। लेकिन जो लिविंग थिंग्स हैं उनमें टाइम टू टाइम धीरे 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 उनके अंदर चेंजेस आते हैं। आप पहले छोटे थे, अब धीरे धीरे आप बड़े हो गए, फिर और बड़े हो जाओगे तो आप में भी चेंजेस आते ही रहेंगे। तो वैसे ही लिविंग थिंग्स क्या है, दे कैन चेंज देयर शेप एंड साइज, बट नॉन लिविंग थिंग्स दे डू नॉट चेंज देयर शेप। वो जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो अपनी शेप और साइज चेंज नहीं कर सकते। ये थे हमारे फिलिप्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अगेन ट्रू फॉल्स। First is birds have legs to move from one place to another. Next is things made by man are called man-made things. जो man ने चीजें बनाई हैं, obviously they are called man-made. जो हमें nature से मिली है, they are called natural things. और जिन्हें man ने बनाया, चाहे वो factory में बनाया, अब आपके घर का bed है, AC है, cooler है, लाइट्स हैं, ये सब किसने, नेचर ने तो नहीं दिया ना हमें, ये फैक्ट्रीज में बना, इनकी जो भी इंडस्ट्रीज में बना, ठीक है। तो ये दीज आर कॉल्ड मैनमेड थिंग्स। मैनमेड थिंग्स कौन सी होती हैं, जिन्हें मैन ने बनाया। सो ये जो भी है ये क्या है, मैनमेड थिंग्स। तो ये क्या आएगा, ये ट्रू। नेक्स्ट इज अर्थवर्म ब्रीथ्स थ्रू द डियर स्किन, जो अर्थवर्म है वो अपनी स्किन से ब्रीथ करता है, बिल्कुल ट्रू, बिकॉज उनकी जो बॉडी है वो डायरेक्ट उस एयर को लेकर और उनके अंदर जो है वो पूरी बॉडी के अंदर फिर वो मिक्स हो जाती है। अर्थवर्म्स हैं, उनकी बॉडी बहुत मॉइस्ट होती है, गीली गीली टाइप में होती है, आपने देखे होंगे। तो उनकी बॉडी मॉइस्ट होने की वजह से डायरेक्ट जो है एटमोसफियर से ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेती है। तो क्या आएगा, ट्रू, कि अर्थवर्म्स ब्रीद थ्रू दियर स्किन। नेक्स्ट इज स्टोन्स आर नेचुरल लिविंग थिंग्स, नो, फॉल्स। नेचुरल लिविंग थिंग्स मीन्स कि जो हमें नेचर से मिली है, बट वो लिविंग तो नहीं है, लिविंग नहीं है, वो नॉन लिविंग है, क्योंकि वो कभी ग्रो नहीं करता, कभी उसकी शेप साइज में चेंजेस नहीं आते। तो स्टोन क्या है, हमारा नॉन लिविंग थिंग है।
तो ये क्या आएगा हमारा फॉल्स. नेक्स्ट इज एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड ट्रू. चाहे डायरेक्ट हम बात करें या इनडायरेक्ट बात करें, लेकिन वो किस पर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए, प्लांट्स पर. क्योंकि हम भी अपने फूड के लिए किस पे, एनिमल्स को फूड कहाँ से मिलेगा, या तो प्लांट से मिलेगा या फिर हमसे मिलेगा. तो हम भी किससे लेते हैं अपना फूड, प्लांट से ही लेते हैं. फिर वहाँ से हमने दे दिया एनिमल्स को, या एनिमल्स ने डायरेक्ट प्लांट से ले लिया, लेकिन मिला तो प्लांट से ही ना, इसलिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, चाहे हम देखें या ना देखें, लेकिन हम वो डिपेंड किस पर है, प्लांट्स पर. तो एनिमल्स डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्लांट्स फॉर दियर फूड, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है. नाउ ये थे हमारे ट्रू फॉल्स. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस गिव आंसर इन वन वर्ड. मीन्स एक स्टेटमेंट आपके सामने रहेगी और उसका आंसर आपको वन वर्ड में देना है. क्लियर. फर्स्ट इज मूवमेंट ऑफ स्नेक. कि स्नेक की मूवमेंट को क्या कहते हैं. स्नेक की मूवमेंट मीन्स वो ऐसे चलता है, इस मूवमेंट को क्या कहते हैं. वे स्नेक को अभी आपने कभी भी चलते हुए देखा होगा. स्नेक मीन्स सांप. कि वो कैसे मूव करता है, ऐसे ऐसे लाइक दिस. ओके, तो इस मूवमेंट को क्या कहते हैं, क्रॉलिंग. कि वो अपने पेच के बल पर ऐसे रेंगता है, ठीक है. तो इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉलिंग. कि स्नेक की मूवमेंट को क्या कहा जाएगा, क्रॉलिंग. नेक्स्ट इज थिंग्स दैट हैव लाइफ इन देम. वो थिंग्स जिनके अंदर लाइफ होती है, उन थिंग्स को क्या कहते हैं, लिविंग थिंग्स. हमने टू ही थिंग्स पढ़ी थी इस चैप्टर में, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. तो लिविंग थिंग्स क्या है, दोज हु हैव लाइफ इन दैम. जिनके अंदर लाइफ होती है, जिनके अंदर जान होती है, उन्हें कहते हैं लिविंग थिंग्स. नेक्स्ट इज ऑर्गन्स इन इंसेक्ट्स. ऑर्गन्स इन इंसेक्ट्स फॉर ब्रीदिंग. जो इंसेक्ट्स हैं वो किससे ब्रीद करते हैं. इंसेक्ट्स की बॉडी पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनसे वो सांस लेते हैं, और उन पोर्स को क्या कहते हैं, स्पायरेकल्स. द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द बॉडीज ऑफ इंसेक्ट्स आर कॉल्ड स्पायरेकल्स. जो इंसेक्ट्स की बॉडी पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन्हें हम स्पायरेकल्स कहते हैं, जिनसे वो सांस लेते हैं. नेक्स्ट इज ऑर्गन्स दैट आर यूज टू फील चेंजेस इन दियर सराउंडिंग्स. मीन्स वो ऑर्गन्स जिनसे हम अपनी सराउंडिंग्स के अंदर फील किया जाता है, जिससे फील कर सकते हैं कि क्या हो रहा है, उन्हें, उन ऑर्गन्स को क्या कहते हैं, उन ऑर्गन्स को कहते हैं फीलर्स. जिससे फील किया जाता है कि जो भी हमारे आसपास के वातावरण में घटित हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो दैट आर कॉल्ड फीलर्स. एंड द लास्ट इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स गिव बर्थ टू दियर बेबीज. मीन्स लिविंग थिंग्स जिस प्रोसेस से अपने बच्चों को जन्म देते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन. क्या कहते हैं उसे, रिप्रोडक्शन. मीन्स अपने ही बच्चों को पैदा करना, टू गिव बर्थ टू दियर यंग वंस. तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है जिससे वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, दैट आर कॉल्ड रिप्रोडक्शन. वेरी गुड. सो ये था हमारा बुक वर्क. इस बुक वर्क में हमने क्या डिस्कस किया, ट्रू फॉल्स, फिलअप्स एंड देन गिव आंसर इन वन वर्ड. क्लियर. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आर क्वेश्चन आंसर्स. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लोकोमोशन. लोकोमोशन क्या है. द एबिलिटी टू मूव. मीन्स जो भी एनिमल्स हैं उनकी जो मूव करने की एबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड लोकोमोशन. मीन्स जो भी एनिमल्स हैं वो जो भी एक्टिविटीज़ करती हैं, लाइक रनिंग, वॉकिंग, जंपिंग, हॉपिंग, फ्लाइंग, उड़ना, चलना, दौड़ना, जंप करना, इन सब एक्टिविटीज़ को क्या कहा जाता है, लोकोमोशन. कि द एबिलिटी टू मूव, कि जो एनिमल्स की एबिलिटी है मूवमेंट करने की, स्नेक क्रॉलिंग करता है, इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो एनिमल्स की मूवमेंट्स होती हैं, उन्हें कहा जाता है लोकोमोशन. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ एनिमल्स कैन फील एंड रिस्पॉन्ड. जो एनिमल्स हैं वो कैसे फील करते हैं, और फील करने के बाद कैसे वो रिस्पॉन्ड करते हैं. एनिमल्स कैन फील एंड रिस्पॉन्ड विद द हेल्प ऑफ दियर सेंस ऑर्गन्स. एनिमल्स में 5 सेंस ऑर्गन्स हैं. कौन कौन से हैं, टंग, ईयर, आइज, नोज एंड द स्किन. ठीक है, इन 5 सेंस ऑर्गन्स की वजह से वो फील कर सकते हैं.
हम देख सकते हैं सेंस ऑर्गन से, हम सुन सकते हैं, हम टेस्ट कर सकते हैं। आपने कुछ खाया, ठीक है, उसका टेस्ट कैसा लगा आपको? मीठा लगा, वेरी गुड, आप बता सकते हैं मीठा है। साउर लगा, खट्टा लगा टेस्ट में, तो आप बता सकते हैं। कोई आपको गुस्से से देख रहा तो आपको पता चल गया वो मुझे गुस्से से देख रहा है, चल जाता ना पता आइस। तो ये हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, इन सेंस ऑर्गन्स से हम रिस्पॉन्स भी रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं और फील भी कर सकते हैं, ठीक है। सो हाउ एनिमल्स कैन फील एंड रिस्पॉन्ड, एनिमल्स कैन फील एंड रिस्पॉन्ड विद द हेल्प ऑफ दियर सेंस ऑर्गन्स। जो इन सेंस ऑर्गन्स हैं फाइव, इनकी हेल्प से वो फील भी करते हैं और रिस्पॉन्ड भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस टू द एनिमल्स व्हेन दे ग्रो ओल्ड। जब एनिमल्स ग्रो करके ओल्ड हो जाते हैं तो क्या होता है? देन दे डाई, तब क्या होता है, वो मर जाते हैं। द एनिमल्स डाई व्हेन दे ग्रो ओल्ड, जब वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, वो मर जाते हैं। क्लियर? मैंने आपको चैप्टर में बताया था कि एनिमल्स जो है वो ग्रो ओल्ड एंड डाई, कि वो ग्रो करती हैं और ओल्ड होकर फिर वो मर जाती हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि प्लांट्स और एनिमल्स में क्या डिफरेंस है। प्लांट्स कैन मूव, प्लांट्स कैन प्रिपेयर दियर ऑन फूड, जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। कभी वो आपसे फूड मांगने आए? नहीं ना, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। बट जो एनिमल्स हैं दे कांट प्रिपेयर दियर ऑन फूड, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकती। देन प्लांट्स, प्लांट्स कांट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जा सकते, वो एक ही जगह पर फिक्स रहती हैं। लेकिन एनिमल्स वो एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाती हैं। दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकती हैं। तो क्या डिफरेंस है प्लांट्स और एनिमल्स में? प्लांट्स कैन प्रिपेयर दियर ऑन फूड, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकती हैं, और एनिमल्स वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। प्लांट्स कांट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकते। लेकिन जो एनिमल्स हैं दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकती हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाई प्लांट्स कांट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि जो प्लांट्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक क्यों नहीं जा सकते। हम ये तो पढ़ रहे हैं कि नहीं जा सकते, पर वो क्यों नहीं जा सकते? बिकॉज देयर रूट्स आर फिक्स्ड इन द सॉइल, बिकॉज उनकी जो रूट्स हैं वो सॉइल के अंदर फिक्स होती हैं, जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जा सकते। अगर आपकी लेग्स भी किसी ने पकड़ ली तो आप भी मूवमेंट नहीं कर सकते ना, अदरवाइज गिर जाओगे। इसी तरह से जो प्लांट्स हैं उनकी भी जो रूट्स हैं वो सॉइल के अंदर अच्छे से बंधी हुई है, फिक्स है, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकते। तो ये था हमारा चैप्टर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया? पहले हमने चैप्टर के बारे में डिस्कस किया था कि लिविंग थिंग्स क्या है और नॉन लिविंग थिंग्स क्या है। फिर हमने उसका बुक वर्क डिस्कस किया, बुक वर्क में हमने ट्रू फॉल्स भी किए, फिलअप्स भी किए, देन वी डिड गिव आंसर इन वन वर्ड, एंड इन लास्ट वी डिस्कस इट्स क्वेश्चन आंसर। तो इस वीडियो में पूरा आपका लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स में पेपर से रिलेटेड जो भी मटेरियल है वो इस वीडियो में क्लियर है आपका, ओके। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए कंचन क्लासेस। थैंक यू।